Hello dear students, good morning. Hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I command to vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precaution that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. हाँ जी बच्चों, प्रीपरेटरी असाइनमेंट से रिवीजन करेंगे जो है पार्ट टू बुढ़ा गीत, ठीक है। जो आपके ये लेसन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, आपने इसके अच्छे से रिवीजन करनी है। तो आप बच्चों हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ जाने। निर्वाह, गुजारा। समीप, पास। नित्य, रोज। भरोसा, विश्वास। सत्कार, स्वागत। पथिक, यात्री। बिलाव, नर, बिल्ली। परख, देखभाल, जांच। ब्रह्मचारी, जो आजीवन विवाह न करने का संकल्प लेता है। अतिथि, मेहमान। अनुमति, आज्ञा। तलाशी, खोज। उसके बाद सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाना है। गिद्ध कहाँ रहता था? गंगा नदी किनारे, पर्वत या वृक्ष की कोठर में? तो इसमें से तीनों में से जो सही है आपने उस पर टिक करना है। वृक्ष कहाँ रहता था? वृक्ष की कोठर में। सेकेंड, बिलाव किस विचार से वृक्ष के पास आया? गिद्ध से धर्म कर्म की बातें करने, गिद्ध से धर्म के बारे में जानने, या गिद्ध से मित्रता करने, या फोर्थ धर्म कर्म की बातों के बहाने पंचों के बच्चों को खाने आया था? यहाँ पे टिक करनी है आपने। आगे थर्ड, उचित सामग्री ना होने पर भी अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए? पानी पिलाकर, उचित स्वागत सत्कार करके, मीठी वाणी बोलकर, अतिथि की प्रशंसा करके। तो क्या आएगा? मीठी वाणी बोलकर। फोर्थ, अतिथि को क्या माना गया है? बिलाव, देवता, गिद्ध या इनमें से कोई नहीं। क्या माना गया है? देवता। बिलाव क्या करता था? गिद्ध से धर्म कर्म की बातें करता था, पंचों के बच्चों को खा जाता था, कठिन व्रत पूजा करता था, पंचों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां गिद्ध के कोटर में रख देता था। क्या करता था बिलाव? पंचों के बच्चों को खाकर उनकी जो हड्डियां थी गिद्ध के कोटर में रख देता था। ये वाक्य पूरा कीजिए। वृक्ष पे बने एक देश में एक गिद्ध रहता था। कौन रहता, कहाँ रहता था? कोठर में। गिद्ध पंचों के बच्चों की देश कर दिया करता था। क्या कर दिया करता था? देख रेख। भय से तब तक देश नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना आ जाए। क्या नहीं होना चाहिए भय से? भयभीत। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित देश किया जाना चाहिए, आतिथ्य सत्कार। उसके बाद हाँ या ना में उत्तर देना है। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए, हाँ। मुश्किल परिस्थितियों में भयभीत होकर भाग जाना चाहिए, नहीं। हमें जब मुसीबत आए तो उनसे भाग नहीं जाना चाहिए बल्कि उनसे लड़ना चाहिए। कोई भी निर्णय हमें बिना विचारे ले लेना चाहिए, नहीं। अगर कोई भी हमने निर्णय या डिसीजन लेना है तो हमें उससे बिना विचारे नहीं लेना चाहिए, ठीक है उसे। फोर्थ, शास्त्रों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है, यस, हाँ आएगा इसका। फिफ्थ, हमारे देश में अतिथि को देवता के समान माना गया है, यस, हाँ। बस बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इनमें आपने अच्छे से रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बूढ़े और कमजोर गिद्ध को भोजन कैसे मिलता था? उस वृक्ष पर अन्य अनेक पंछी भी रहा करते थे, वे अपने भोजन में से थोड़ा भोजन गिद्ध को दे दिया करते थे, इस प्रकार उसका निर्वाह हो जाता था। जो उस वृक्ष में कौन से अन्य पंछी भी रहा करते थे, वे क्या करते थे? थोड़ा सा भोजन बनाते थे, उसमें से थोड़ा भोजन गिद्ध को दे दिया करते थे। इसका इससे उसका क्या हो जाता था? निर्वाह मीन्स होता है गुजारा हो जाता था। सेकेंड, गिद्ध को देकर बिलाव क्यों डर गया? बिलाव इसलिए भयभीत होया हुआ क्योंकि उसको लगा गिद्ध उसे देखकर मार डालेगा। क्योंकि उसको क्या लगा कि जो गिद्ध है उसे देखकर क्या करेगा? मार डालेगा। थर्ड, बिलाव ने गिद्ध को अपने बारे में कैसा विश्वास दिलाया? बिलाव ने गिद्ध को अपने आप को ब्रह्मचारी कहा और नित्य पूजा पाठ करता और व्रत करता हूँ कहा, ठीक है।
इसलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, जिससे गिद्ध को उसकी बातों पर विश्वास आ गया। बिलाव ने गिद्ध को अपने बारे में कैसा विश्वास दिलाया? बिलाव ने गिद्ध को अपने आप को क्या कहा? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी क्या होता है? जो दिन रात पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं। उसने ये विश्वास दिलाया कि उसने मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, जिससे क्या हुआ, गिद्ध को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। फोर्थ, बिलाव वृक्ष के समीप किस उद्देश्य से आया था? वह वृक्ष पर रहते पंछियों के बच्चों को पकड़कर मारकर खाने के उद्देश्य से आया था, कि वहाँ पर जो पंछी रहते थे वृक्षों पर, उनको पकड़कर मार के खाने के उद्देश्य से आया था, और जो हड्डियाँ होती थी उसे गिद्ध के क्वार्टर में रख दिया करता था। ठीक है, मारकर खाने के बाद जो हड्डियाँ बचती थी उसे क्या करता था, गिद्ध के क्वार्टर में रख दिया करता था। पंछियों ने बूढ़े गिद्ध को क्यों मार डाला? जब पंछियों ने गिद्ध के कोठर की तलाशी ली तो उन्होंने देखा कि हड्डियाँ पड़ी थी। सभी ने सोचा गिद्ध ने ही उनके बच्चों को मार खाया है। आगे इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, क्या शिक्षा मिलती है हमें, ये बताना है। ये है कि बुरे लोगों का साथ देने पर किस प्रकार अपना ही बुरा होता है, कि अगर हम बुरे लोगों का साथ देंगे तो किस प्रकार हमारा भी बुरा होता है। जैसे कि बूढ़े गिद्ध ने एक धूर्त और चलाक बिलाव पर विश्वास करके अपना सर्वनाश कर लिया, कि किस प्रकार उसने एक धूर्त और चलाक बिलाव पर विश्वास करके अपना ही सर्वनाश किया। होप बच्चों कि आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। तो बच्चों, इसके आपने अच्छे से रिवीजन करना है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।